नमस्कार, आप देख रहे हैं निशब्द। मानवता को झकझोर देने वाली ये कहानी सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, अब इसे बहादुरी कहें, जिम्मेदारी कहें या फिर इस दौर की मजबूरी। बेटी की उम्र 14 साल है, जिसके माँ और बाप दोनों 5 दिनों के अंतराल पर कोरोना के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर में सिर्फ उसकी 12 साल की बहन, 10 साल का भाई है। इस विपदा की घड़ी में समाज अंतिम संस्कार में मदद तक के दायित्व से पीछे हट गया। तब इस बिटिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर के पीछे ही, अपने घर के पीछे ही अपने माता पिता का शव दफन कर दिया। कसक जरूर रही कि हिंदू रीति रिवाज से वह इनके पार्थिव शरीर तक अंतिम संस्कार नहीं कर पाई। बात अररिया जिले के रानीगंज के मधुलता गाँव की है, जहां बेटी के पिता कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। हालात बिगड़ने पर उन्हें पूर्णिया के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी मौत हो गई। समाज के लोग आगे नहीं आए। तब इस बिटिया ने अपने भाई बहनों की मदद से घर के बगल में गड्ढा खोदा। उसके भाई ने मृत पिता के मुख में आग रखवा दिया और उन्हें मिट्टी चादर के नीचे हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाद बेटी की माँ प्रियंका देवी भी कोरोना की चपेट में आ गई। हालत बिगड़ने पर रात में उन्हें फारबिसगंज कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां से उन्हें मधेपुरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। अब बात दूसरी बेटी की, वो भी बिहार की। बिहार के ही बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंशा टोला के रहने वाले पेशे से ड्राइवर फकरुजमा की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उनके परिजन सुबह से ही शव को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार परिजनों को सौंपने की मांग कर रहे थे। अस्पताल में फकरुजमा की पत्नी, उनकी बेटी रेशमा और बेटा शिबू मौजूद थे। लगभग 6 घंटे तक इंतजार के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने कोई सुगबुगाहट नहीं देख रेशमा परवीन खुद जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में पहुंची। वहां पहुंच उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो अस्पताल के जो कर्मचारी थे उन्हें शव पैक करने वाला बैग और पीपीई किट उपलब्ध करा दिया। रेशमा ने अपने भाई के साथ पिता के शव को बैग में पैक किया, फिर डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर नीचे ले आई। उसके बाद दोनों भाई बहनों ने मिलकर शव को एम्बुलेंस में रखा। हम सुबह 9 बजे से भर्ती हुए, लेकर 9:30 हो गया हम भर्ती हुए। और सुबह 9 बजे तक कॉल कर रहे हैं, कितना बोला है बॉडी को पैक करने के, कोई पैक नहीं किया, खुद से हम और पैक किया है। कंट्रोल रूम से शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, पीपी किट और मैंने खुद पैक किया। कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस दौरान कई बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ गया है। बच्चे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार अकेले करने को मजबूर हैं। कोरोना की मुश्किल घड़ी में बेटियाँ माता पिता का अंतिम सफर तक साथ दे रही हैं। समर्पण, त्याग, स्नेह के बीच बंधी रिश्तों की ये डोर संकट की घड़ी में और अहम हो जाती है। हाल के दिनों में कई जगहों पर भावुक दृश्य देखने को मिले, जब बेटियों ने अपने माँ बाप की जान बचाने की पूरी कोशिश की या अंतिम वक्त तक उनकी जिंदगी के लिए लड़ी या उनकी अंतिम क्रिया की। नमस्कार, आप देखते रहिए आईएनसी टीवी।